हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 की एग्ज़ाम डेट को लेकर और इसके अलावा इसके फॉरम रीओपन डेट को लेकर। तो आज जो मीटिंग हुई थी उसमें दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर तो दो डेट हम उस निकल के सामने आ रही हैं, 19 सितंबर और 26 सितंबर। सबसे ज़्यादा चर्चा दोस्तों इन्हीं दो डेट को लेकर की गई है कि 19 सितंबर को एग्ज़ाम करवाई जाए या फिर 26 सितंबर को। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम हो लगभग सितंबर और अगर थोड़ी देर से हुई तो शायद अक्टूबर में संभवतः डेफिनेटली एग्ज़ाम होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों। और पता नहीं, मान लीजिए एकदम हम 100% कन्फर्म मान के चल सकते हैं इस बार एग्ज़ाम आगे जाने के चांसेस हैं वो नए के बराबर हैं। जो भी डेट आपके सामने आएगी अभी, शायद संभवतः इसे आगे आने वाले वीक में या इस वीक में आपको डेफिनेटली मतलब एग्ज़ाम डेट का पता लग जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों वही चीज़, क्योंकि आज भी कैंसिलेशन लेटर नहीं आया अभी तक DSR की वेबसाइट के ऊपर कि 20 जून को एग्ज़ाम वो नहीं होगी, तो शायद एक दो दिन या इससे अगले वाले वीक में 20 जून की जगह किस तारीख को एग्ज़ाम होगी वो डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहले रिट की एग्ज़ाम होगी दोस्तों। कई लोग बोल रहे हैं कि SI का पहले फॉर्म निकला है तो SI की एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों SI का तो नाम भी नहीं सुना था जब रिट का नाम चालू हो गया था। आप सब को पता होगा कि जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट वो आई थी तो उसने सबसे पहले नाम ही रिट का लिया था, तो इस हिसाब से तो रिट की ज्वाइनिंग होकर वापस से नई रिट आ जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों फॉर्म चाहे किसी के भी पहले शुरू हों वापस से EWS के कारण, लेकिन सबसे पहले भर्ती है वो मेरी नज़र में रिट की होगी, क्योंकि लास्ट 2-2.5 साल से रिट का नाम ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, वरना दोस्तों आप बातों में अगर कोई अक्टूबर बता रहा है, कोई नवंबर बता रहा है, कोई दिसंबर, कोई फरवरी 2022, तो लोगों का कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, तो घर वाले आपसे पूछेंगे कि आपका नंबर क्यों नहीं आया, और जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि सर उसने मतलब कि मम्मी मन तो वो यहाँ कह दियो कि परीक्षा जी के बाद में उसी, तो दोस्तों वो बात है वो नहीं चलेगी। आप सब समझदार हैं, लगभग 2 साल आपको तैयारी करते हो गए तो आप लास्ट 3-4 महीने का टाइम आपके पास है, तो आप सितंबर में नहीं होगी तो भी आपके घाटा नहीं होगा, आपके फ़ायदा ही होगा, और उसे आप 4 कदम आगे होंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छी रैंक के साथ होगा। और अगर आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी सोच के चल रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम वो अगस्त लास्ट में या सितंबर में हो जाएगी तो आपको कहानी है वो समझ में नहीं आएगी, चाहे आपकी कितना ही पढ़ावा हो, लेकिन फिर भी अगर 3-4 महीने तैयारी छूट जाती है तो वापस से शुरू करने में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि यार क्या करें, कुछ नहीं आता आपको। तो आप मेरी मानिए मीटिंग के अंदर भी ये दो डेट ही समझ में मतलब निकल के सामने आई है कि 19 सितंबर या 26 सितंबर, या तो इन डेट में एग्ज़ाम हो जाएगी, अगर इनमें नहीं होती है तो अक्टूबर में तो डेफिनेटली एग्ज़ाम 100% होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों जल्द ही फॉर्म वो रीओपन हो जाएंगे, फॉर्म की तो आपको कोई टेंशन है नहीं, जिसको भरना है वो दोस्तों भर देगा। इसके अलावा बोर्ड के पास तैयारियों के लिए भी वापस से 1-1.5 महीने का टाइम बहुत होता है बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड है वो हर साल एग्ज़ाम देता है दोस्तों। 10-15 लाख अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम लेना बोर्ड के लिए कोई नई बात नहीं है। 10वीं और 12वीं में लगभग 12-13 लाख बच्चे बैठते हैं, तो बोर्ड के अभ्यर्थियों के संबंधित कोई परेशानी बोर्ड को नहीं होगी, क्योंकि हर साल का उसका मतलब ये चीज़ है कि 12-13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा तो हर साल लेता है, तो आराम से परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है, आराम से बोर्ड वो व्यवस्था कर देगा 1-1.5 महीने में, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एक भी वीडियो में मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी इसका नाम नहीं लिया, ना जुलाई किसका लिया था, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था सितंबर और अक्टूबर का, उस टाइम भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ। फिर देखते हैं डेट क्या आती है, क्योंकि दोस्तों शुरू से आपने शुरू से देखा होगा जो भी डेट बताई जाती है वो लगभग 100 से 110 दिन में बताई जाती है, तो इस महीने में तो दोस्तों डेट है वो ज़रूर आपको बताई जाएगी 20 जून से पहले, तो आप 100 दिन जोड़ लीजिए, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर आता है दोस्तों, तो आप खुद समझदार हैं सितंबर या फिर अगर लेट करते हैं तो अक्टूबर से ज़्यादा जाने के चांसेस मेरे को बिल्कुल नहीं नज़र आते हैं कि अक्टूबर के बाद अब वो एग्ज़ाम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, 3 साल होने को हैं, और आप सबको पता है दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे और नाम मतलब अपना काम बताने के लिए कुछ है नहीं, तो ज़रूर ये भर्ती उससे पहले होगी, डेफिनेटली होगी। और पदों की संख्या भी मैंने दोस्तों आपको बताई है, लगभग 42,000 पद आने के चांसेस हैं, वो वीडियो भी मैंने शायद 1-2 महीने पहले बनाया था, उसमें सब्जेक्ट वाइज पदों का वर्गीकरण भी मैंने साला दर्पण वेबसाइट से मतलब पदों की संख्या वो इकट्ठा करके बताई थी कि लगभग इतने पद वो आ सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। आप कई जने बोलेंगे लेवल फर्स्ट में पद वो कम आएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेवल फर्स्ट के अंदर पद वो ज़्यादा आएंगे, लेवल सेकंड में कम आएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में लेवल फर्स्ट में पदों की संख्या ज़्यादा है, 23,000 के आसपास पद वो खाली चल रहे हैं, और वो भी दोस्तों लगभग 2 महीने हो गए हैं, साला दर्पण वेबसाइट को अपडेट हुए 2 महीने हो गए हैं, लगभग 2,000 के आसपास पद वो खाली होते हैं 1 महीने में, तो आप समझदार हैं अभी जो
लेटेस्ट ये अपडेट होगी वेबसाइट, तो लगभग पदों की संख्या खाली है वो 50,000 तक चली जाएगी। अभी वर्तमान में शायद 44,000 या 45,000 खाली हैं, तो 50,000 पदों वो खाली हो जाएंगे रिट के अंदर। लगभग 42,000-43,000 पदों पर भर्तियाँ वो होनी है। मैंने पदों का विवरण बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने अनुमान वो बताया कि लगभग कितना टारगेट आपका होना चाहिए, उसके आसपास अगर आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, सितंबर मान के तैयारी करें आपके लिए फ़ायदा होगा। दोस्तों अक्टूबर नवंबर दिसंबर को मान के नहीं करें, अपनी रणनीति है वो लगभग आप 15 अगस्त मान कर ही करें। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 अगस्त के बाद आपको रिवीजन करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, जो आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं उनको 3-4 बार आप पढ़ोगे एग्ज़ाम से एक महीने में, तो आपको वो कवर होंगे, याद होंगे, वरना नहीं होंगे दोस्तों। तो यही है कहना कि लगभग सितंबर मान के आप तैयारी करिए, 1 सितंबर ही मान लीजिए आप दोस्तों, सितंबर के बाद जितना आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा है। और सितंबर में एग्ज़ाम की ये 2 डेट हैं वो निकल के सामने आ रही हैं आज की मीटिंग के बाद। तो दोस्तों यही बात हुई थी आज जो मैंने आपको बता दी है वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।